नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। सुक्खू सरकार ने पलटा जयराम का एक और फैसला, 12 विद्युत मंडल और 3 ऑपरेशन सर्कल किए डी नोटिफाई। हिमाचल में सरकार बने अभी 10 दिन हुए, विक्रमादित्य सिंह बोले इतनी जल्दी टीका टिप्पणी सही नहीं, ओपीएस को पहली कैबिनेट में करेंगे बहाल। एसीसी सीमेंट प्लांट बंद करने के विरोध में गरजे ट्रक ऑपरेटर, निकाली रैली। ऊना में हुआ डिप्टी सीएम का ग्रैंड वेलकम, जनता ने पलकों पर बिठाया, वर्कर्स ने फोड़े पटाखे। जोनल अस्पताल मंडी में टेस्ट न होने पर मरीजों और तमीरदारों ने एमएस ऑफिस के बाहर दिया धरना। हिमाचल के मैदानी और कम ऊंचाई वाले जिले शीतलहर की चपेट में, प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। नई सरकार ने प्रदेश में बिजली बोर्ड के 12 विद्युत मंडल और 3 ऑपरेशन सर्कल डी नोटिफाई कर दिए हैं। वहीं इन मंडलों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती के बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा। विभाग के चीफ इंजीनियर ने इन डिवीजनों और सर्कल की रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी हवाई अड्डे के सामाजिक सर्वेक्षण की एजेंसी बदलने के बाद अब शिवा प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय को बंद करने का फरमान दिया गया था। हिमाचल की कांग्रेस सरकार सभी वादे पूरे करेगी। कांग्रेस महासचिव एवं शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को शिमला में कहा कि हम सभी सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने जो गारंटी जनता को दी है उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष को थोड़ा संयम रखने की नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को बने अभी 10 दिन हुए हैं, इतना जल्दी टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सुक्खू के स्वस्थ होते ही सरकार आगे बढ़ेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ओपीएस को सुक्खू सरकार पहली कैबिनेट में बहाल करेगी, दूसरे वादे भी समयबद्ध पूरे किए जाएंगे। हम वन वे नहीं टू वे कम्युनिकेशन जनता से रखेंगे। हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हमें वित्त प्रबंधन पर ध्यान देना है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एसीसी सीमेंट प्लांट बंद करने के विरोध में बीडीटीएस के 2 गुटों ने मंगलवार को सीमेंट प्लांट बरमाना और मुख्यालय बिलासपुर में अलग अलग धरना प्रदर्शन किया। जीतराम गुट ने बरमाना में चल रहे आंदोलन से हटकर बिलासपुर मुख्यालय में पैदल मार्च कर अपना विरोध जताया। इस दौरान जीतराम गौतम की अगुवाई में HRTC वर्कशॉप से उपायुक्त भवन तक रैली निकाली गई। डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया, जबकि दूसरे धड़े ने रोजाना की तरह बरमाना में रैली निकाली और गेट के सामने प्रदर्शन किया। बीडीटीएस सदस्य राकेश कुमार रॉकी ने बताया कि एसीसी सीमेंट प्लांट बरमाना में है, प्लांट बंद होने के बाद यहीं पर आंदोलन चल रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री आज अपने गृह जिला ऊना पहुंचे। डिप्टी सीएम बनने के बाद मुकेश अग्निहोत्री का गृह जिले का ये पहला दौरा है। मुकेश अग्निहोत्री लगभग 1:25 पर ऊना पहुंचे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रंजीत राणा की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी फोड़े। इससे पहले हिमाचल के प्रवेश द्वार महतपुर में मुकेश अग्निहोत्री का पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा और चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू भी उनके साथ रहे। महतपुर से ऊना पहुंचने में लगभग 2.25 घंटे का समय लगा। जोनल अस्पताल मंडी में मरीज और तमीरदार लैब टेस्ट करवाने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। आलम यह है कि पूरा एक दिन बीत जाने के बाद भी मरीजों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। वहीं यदि कुछ टेस्ट हो भी रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिल रही है। अस्पताल मंडी में स्थापित कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब में सर्वर डाउन होने से मरीजों और तमीरदारों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को सर्वर डाउन होने से मरीजों के टेस्ट नहीं हुए तो तमीरदारों व मरीजों ने एमएस दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। वहीं एमएस डॉक्टर धर्म सिंह वर्मा ने बताया कि बंदरों के द्वारा इंटरनेट की तार तोड़ दी गई है, जिस कारण ये समस्या पेश आ रही है।
हिमाचल प्रदेश के मैदानी और कम ऊंचाई वाले जिले शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से मंगलवार को जारी बुलेटिन के अनुसार मैदानी और कम ऊंचाई वाले जिलों में 24 दिसंबर तक शीतलहर का येलो अलर्ट है। वहीं सुबह और शाम को घनी धुंध छाई रहने का भी अलर्ट जारी किया गया है। धुंध से विजिबिलिटी कम रहने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। इन क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में कमी आने से मौसम में ठंडक काफी बढ़ गई है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 25 दिसंबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं शिमला व आसपास के भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए हुए हैं। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।